हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रिया ट्रेवलाइट्स। तो आइए जानते हैं गोवा के बारे में झूठ या सच हैं ये बातें। भारतीयों के लिए गोवा हमेशा चर्चा का विषय रहा है, चाहे हनीमून डेस्टिनेशन हो या फिर गैंगस्टर्स के लिए मस्ती की जगह। गोवा है तो कमाल की जगह, पर उतनी ही चर्चा गोवा प्लानिंग में भी होती है, जो किस्मत वालों की ही सफल हो पाती है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे जैसे उन सभी लोगों के लिए है जिनका गोवा का प्लान कम से कम एक बार कैंसिल तो जरूर हुआ होता है। मेरे कुछ जानने वाले तो ऐसे हैं जिन्होंने गोवा के लिए इतनी प्लानिंग कर ली जितनी शायद शादी के लिए भी नहीं की। गोवा के बारे में ये बात फेमस है कि यहाँ जाने का प्लान एक ना एक बार जरूर कैंसिल होता है। खैर, ये तो हुई एक बात, लेकिन गोवा जाने की तैयारी कर रहे लोगों को वहाँ से जुड़ी कुछ बातें जानना जरूरी है। गोवा के बारे में कई भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई है। मेरे वहाँ जाने से पहले भी कुछ इस तरह की बातें जहन में थी, लेकिन जाकर कुछ अलग ही अनुभव हुआ। गोवा सेफ है, यकीनन गोवा कुछ हिस्सों में सेफ है, लेकिन यहाँ भी बात आती है कि आप कहाँ हैं। 5 लड़कियों के ग्रुप को अगर एक ही दिन में 3 बार छेड़ा गया हो तो इसे सेफ कहना तो सही नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना था कि हम किसी दूर के बीच घूमना चाहते थे जहाँ ज्यादा भीड़ ना हो। ऐसी हरकतें करने वाले टूरिस्ट ही थे। आरंबोल बीच और स्वीट लेक विदेशी टूरिस्ट के बीच खासा लोकप्रिय है। वहाँ मड बात से लेकर मीठे पानी का तालाब, समुद्र, झरना सब कुछ है। जगह इतनी सुंदर है कि मानो किसी फिल्म का सेट हो। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो यहाँ ना जाएं। रास्ता जंगलों से होकर जाता है। कई टूरिस्ट गाहे बगाहे वहाँ आपको मिल जाएंगे, और कम लोग होने के कारण विदेशी महिला टूरिस्ट आराम से यहाँ घूमते हैं। लोकल लोग आपको शराब से लेकर ड्रग्स तक सब कुछ ऑफर करते हैं। बेहतर यही होगा कि या तो आप गाइड के साथ घूमें या आप होटल से किसी को ले जाएं, अकेले ना जाएं। दूसरा झूठ, सरकार ने 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और शराब पर रोक लगा दी है। हाईवे पर अलबत्ता शराब की दुकानें नहीं दिखी, लेकिन आपको राज्य के हर कोने में किसी भी वक्त शराब मिल जाएगी। बाघा बीच पर हर रात 3 बजे तक किसी कार्निवल जैसा माहौल रहता है। भले कोई कुछ भी कहे कि बीच पर बैठकर शराब पीना गैर कानूनी है, लेकिन ऐसा लागू तौर पर कोई नियम नहीं है। फैमिली बीच पर जहां बहुत भीड़ होती है, वहां भी लोग बैठकर दारू पीते हैं। तीसरा झूठ, गोवा में सभी खुले विचारों वाले हैं। अगर आपको लगता है कि गोवा में क्योंकि विदेशी टूरिस्ट ज्यादा आता है और वहाँ शराब, नाच गाना, फैशन, डिस्को आदि सब होता है, तो लोगों की धारणा भी मॉडर्न होगी, तो जान लीजिए कि ऐसा नहीं है। ये साफ तौर पर आपके दिमाग में डाली गई गलत बात है। गोवा के कुछ खास स्पॉट और उसके आसपास के इलाकों को छोड़ दिया जाए तो थोड़ा दूर दराज के गाँव में लोगों की मानसिकता उतनी मॉडर्न नहीं है जितनी की दिखती है। चौथा झूठ, गोवा जाने का बेस्ट सीजन सर्दियों में है, ऐसा बिल्कुल नहीं। भले ही बारिश में गोवा में वाटर स्पोर्ट्स बंद रहते हैं, लेकिन बीच की असली खूबसूरती तो गोवा में बारिश में ही मिलेगी। अगला झूठ, गोवा में हर कोई शराबी है। गोवा में शराब इतनी सस्ती है कि लोग गिफ्ट करने के लिए शराब गोवा से लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ हर कोई शराबी नहीं है और ना ही लोग दिन के हर वक्त शराब पीते हैं। ऐसा टूरिस्ट के लिए जरूर कहा जा सकता है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के लिए वहाँ की दुनिया अलग है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।